हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मुंबई से 120 किलोमीटर दूर चव्हार द सिटी ऑफ वाटरफॉल यहां पर आज डिफरेंट लोकेशन एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो सुबह के 4 बजे हम निकल चुके थे दहीसर से, मगर जैसे हमने विरार क्रॉस किया यहां पर बारिश आना चालू हुआ। बारिश जैसे ही ज़्यादा हुई हम खनीवड़े टोल प्लाजा पर रुक गए, चाय पिया, रेनकोट पहना और यहाँ से निकल गए जवाहर के लिए, जो कि अभी भी 80 किलोमीटर की दूरी पे है। तो फाइनली हम मनोर पहुंच चुके हैं और मनोर से राइट टर्न लेने पे यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, जवाहर यहाँ से 47 किलोमीटर की दूरी पे है, नासिक 126 और त्र्यंबकेश्वर 100 किलोमीटर की दूरी पर है। जवाहर जाने वाला रास्ता बड़ा ही खूबसूरत है। खाली 80 किलोमीटर है रे, तो त्र्यंबकेश्वर उससे कम रहेगा। चलो त्र्यंबकेश्वर जाते हैं अभी। तो गाइस, जयेश को इग्नोर करते हुए हम आगे चले गए, क्योंकि रिसेंटली उसके बर्थडे पे 26 जनवरी 2023 को हमने हरिहरगढ़ का ट्रेक किया था और त्र्यंबकेश्वर का दर्शन किया था। अगर आपको भी त्र्यंबकेश्वर का ब्लॉग चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। जवाहर एक हिल स्टेशन है, इसका अंदाज़ा आप इन पहाड़ों को देखकर बखूबी लगा सकते हो। दिन में रास्ता जितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, रात को यहाँ से अकेले गुजरने में उतना ही लोगों को डर लगता है। तो फाइनली हम जवाहर शहर के बिल्कुल करीब आ चुके हैं, पहाड़ों के ऊपर है, फॉग ही फॉग है यहाँ पर और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। क्योंकि हम यहाँ पे बारिश के मौसम में आए हैं और अर्ली मॉर्निंग आए हैं, इसलिए हमें फॉग मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। लेकिन अगर आप गर्मियों के मौसम में आ रहे हो या दोपहर में आ रहे हो तो फॉग मिलने के चांसेस बिल्कुल भी ना के बराबर है। अगर आपको जवाहर के बारे में कुछ भी डाउट वगैरह होगा और अगर प्लान करना चाहते हो जवाहर के लिए, तो आपको जो कुछ भी सवाल मन में उठ रहे होंगे मेरे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मैसेज कर दीजिए, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो हम पहुंच चुके हैं हमारे पहले डेस्टिनेशन पे, क्लिफ ऑफ जवाहर। आइए देखते हैं यहाँ का नज़ारा। अब हम निकल चुके थे दाबोसा वाटरफॉल देखने के लिए, लेकिन बीच में एक बोर्ड लगा था जहाँ पे जवाहर पर्यटन स्थल के बारे में सारी जानकारी लिखी हुई थी कि आप क्या क्या चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो। ये देखने के बाद हम दाबोसा वाटरफॉल जाने से पहले सनसेट पॉइंट और जयसागर डैम एक्सप्लोर करने वाले थे। तो अब हम निकल चुके हैं सनसेट पॉइंट देखने के लिए, जो कि हमारा दूसरा डेस्टिनेशन है। क्योंकि सुबह का टाइम था तो सनसेट तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा और ना ही खुद देख पाऊंगा,
मगर कोई बात नहीं, एटलीस्ट मैं आपको इस लोकेशन को दिखा सकता हूँ ताकि जब आप यहाँ आओ तो सनसेट एंजॉय कर सको। आज का थर्ड डेस्टिनेशन जय सागर डैम। 1961 में इस डैम को राजा यशवंतराव मुकने द्वारा बनाया गया था ताकि उस वक्त के 3 से 4 हज़ार घरों में पानी की कमी पूरी हो सके, मगर आज के ज़माने में ये 15 से 20 हज़ार लोगों की पानी की कमी पूरी करता है। एंड फाइनली हम पहुंच चुके हैं फोर्थ डेस्टिनेशन दाबोसा वाटरफॉल। यहाँ पर अगर आपको नाश्ता वगैरह करना है तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। अब हम निकल चुके हैं मेरे फेवरेट डेस्टिनेशन खड़खड़ डैम के लिए, जो कि इस रास्ते से आपको लेफ्ट टर्न लेना है। गाइज हमने एक रॉन्ग टर्न लिया था, बट अफसोस की बात नहीं है, कमल के फूल देखने मिले हमें और आगे एक और छोटा सा डैम देखने मिला, बट एज सून एज हमें पता चला कि हम रॉन्ग लोकेशन पे है, हमने यू टर्न लिया और यहाँ से हम चल पड़े खड़खड़ डैम के लिए। गाइस पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा था तो हम में से किसी ने भी डैम में उतरने की कोशिश वगैरह कुछ की नहीं, बट नज़ारे बहुत खूबसूरत थे यहाँ से और यहाँ पे जो हवा आ रही थी, हमने यहीं पे रिलैक्स किया आधे घंटे, फिर हम हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाते हैं। बट बारिश में देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर।
लोकेशन नंबर 6 शिरपामल। कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जब सूरत किसी काम से जा रहे थे तो उन्होंने यहीं पर एक दिन के लिए टेंट किया था। लोकेशन नंबर 7 हनुमान पॉइंट। यहाँ से हमें जयविलास पैलेस का नज़ारा देखने मिलेगा और लेफ्ट साइड में ये जो खूबसूरत नज़ारे पहाड़ आप देख पा रहे हो, यहीं से एक रास्ता जाता है सीक्रेट वाटरफॉल यानी काल मांडवी धबधबा के लिए। जवाहर का सेल्फी पॉइंट भी इसी लोकेशन पे है। सेल्फी पॉइंट से राइट की तरफ आप देखोगे एक छोटा सा नदी आपको बहती नज़र आएगी और वही काल मांडवी धबधबा यानी सीक्रेट वाटरफॉल का एक हिस्सा है। लोकेशन नंबर 8 जयविलास पैलेस, जो कि जवाहर का सबसे फेमस आर्कियोलॉजिकल लोकेशन है। यहाँ पे काफ़ी हिंदी और मराठी मूवीज़ की शूटिंग की गई है। मराठी मूवी का एक सॉन्ग है मस्त मलंगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। आप जयविलास पैलेस को काफ़ी अच्छी तरीके से उसमें देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज़।